हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। ये टू टाइप की होती हैं, जिसमें लोड करेक्टरिस्टिक्स होती है वो टू टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। सबसे पहले इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स वो होती है जिसमें उत्पन्न ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ तथा आर्मेचर करंट आईए के बीच में वक्र खींचा जाता है, इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स कहलाती है वो। देखिएगा, सभी जनरेटर्स के लिए इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स जो होती है समान होती है, एक सी होती है, कुछ इस टाइप से होती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में जो वक्र खींचा जाता है उसे इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स। और दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स वो होती है लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट IL के बीच खींचा गया वक्र एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप की होती है, लोड करंट होती है इधर और इधर टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की करेक्टरिस्टिक्स। तो देखिएगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कुछ इस टाइप से होता है। इसमें ये अलग से सोर्स होता है और ये जनरेटर का आर्मेचर होता है और इसमें आर्मेचर करंट होती है और इसमें ईएमई होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ से आर्मेचर करंट जाती है तो इधर जाती है लोड में और यहाँ से ये फील्ड करंट होती है। तो इसमें देखिएगा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप से होती है। इसमें क्या होता है, देखिए लोड वोल्टेज और लोड करंट के बीच में करेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो आती है ये करेक्टरिस्टिक्स जो आती है डोपिंग टाइप की होती है इसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो ये इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स होती है, इसमें आर्मेचर ड्रॉप के कारण ये थोड़ी नीचे आ जाती है, आर्मेचर ड्रॉप के कारण ये थोड़ी नीचे होती है। और उससे भी नीचे जो होती है लोड करेक्टरिस्टिक्स जो होती है सेकेंड टाइप की जो होती है एक्सटर्नल, तो वो इससे नीचे होती है। क्यों? क्योंकि इसमें RL लोड हो जाते हैं, RL ड्रॉप लोड में RL ड्रॉप हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी इससे नीचे आती है ये। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की करेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज जो होती है ड्रॉपिंग होती है, इसकी वोल्टेज ड्रॉपिंग टाइप की होती है। इसकी लोड करेक्टरिस्टिक्स संट जनरेटर के समान होती है, इसलिए संट जनरेटर के स्थान पर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर महंगे होते हैं इसलिए इनका यूज़ नहीं करते हैं। इनका यूज़ केवल वहाँ पर होता है जहाँ फील्ड करंट का मान बहुत शुद्धता के साथ एक्यूरेसी के साथ कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन में इसका यूज़ होता है, मेटल प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज़ होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का, और टेस्टिंग पर्पस ऑफ लेबोरेटरी में भी इसका यूज़ होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का, और डीसी मोटर कंट्रोल मेथड में भी इसका यूज़ होता है। इसके बाद लोड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी संट जनरेटर पढ़ेंगे हम। तो डीसी संट जनरेटर कुछ इस टाइप का होता है, देखिएगा इसमें ये आर्मेचर होता है जनरेटर का, आर्मेचर होता है, इसमें आईए होते हैं, आर्मेचर करंट होती है, जब यहाँ से जाती है तो टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक संट में चला जाता है। संट जनरेटर में ये यहाँ पर पैरेलल में संट लगा होता है जिसमें ISH करंट फ्लो होती है, इसका रेसिस्टेंस जो होता है RSH होता है, और इधर लोड होता है, यहाँ से आर्मेचर करंट एक लोड में चली जाएगी और एक संट में चली जाएगी। तो इसमें क्या होता है, IA जो बराबर हो जाएगी वो किसके होगी, ISH प्लस IL के बराबर होगी, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ जाएंगे करंट। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो भी डोपिंग होती है। तो किस टाइप से होती है, देखिएगा इसकी इस टाइप से इसकी डोपिंग करेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें दो टाइप की, देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल डोपिंग करेक्टरिस्टिक्स किस टाइप की होती है। यहाँ पर लोड करंट और वोल्टेज में जो संबंध होता है वो इंटरनल एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये EMF E के कारण और I के कारण, IA आर्मेचर करंट के कारण जो डोपिंग होगी वो होगी इंटरनल, और लोड करंट लोड वोल्टेज और लोड करंट के बीच में जो डोपिंग होगी वो एक्सटर्नल होगी। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्राफ जो नीचे आ रहा है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप जो हो जाते हैं उसके कारण होता है, यहाँ पर IA ड्रॉप के कारण ये थोड़ा नीचे हो जाता है, इसलिए इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है डोपिंग टाइप की होती है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखिएगा संट जनरेटर की लोड करेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली जनरेटर के समान होती है, वोल्टेज डोपिंग टाइप की होती है, परंतु लोड बढ़ाने, इसमें क्या होता है, लोड बढ़ाने से इसकी वोल्टेज भी घटती है, लोड बढ़ाने से इसकी वोल्टेज घटती है, परंतु संट जनरेटर की करेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली एक्साइटेड की अपेक्षा अधिक डोपिंग होती है, यानी कि ये इस टाइप से होती है। अगर सेपरेटली की ऐसे है तो संट की इससे भी और डोपिंग हो जाएगी, अधिक डोपिंग हो जाएगी, वो नीचे हो जाएगी, यानी कि नीचे इधर वाली हो जाएगी, यानी कि इस टाइप से होगी। यहाँ पर देखिएगा, अगर सेपरेटली की इस टाइप से है तो संट जनरेटर की इससे भी ज़्यादा डोपिंग हो जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा डोपिंग टाइप की करेक्टरिस्टिक्स होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें IA ड्रॉप हो जाते हैं आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ड्रॉप के साथ साथ इसमें फील्ड फ्लक्स भी कम हो जाता है।
पर संतरे जनरेटर का जो यूज होता है वो कहाँ किसके लिए होता है? सब निकटवर्ती सप्लाई के लिए, पास पास सप्लाई के लिए इसका यूज होता है। संतरे जनरेटर को नो लोड तथा लोड दोनों कंडीशन में एक्साइटेड किया जाता है, जबकि सीरीज जनरेटर लोड कंडीशन में ही एक्साइटेड होता है। पैरेलल ऑपरेशन के लिए डीसी संतरे जनरेटर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन के लिए वोल्टेज ड्रॉपिंग की करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पैरेलल ऑपरेशन जो होता है डीसी जनरेटर का, उसमें डीसी संट जनरेटर का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक्स डोपिंग टाइप की होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ डोपिंग टाइप की होती है, इस टाइप की इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। यहाँ पर लोड लोड वोल्टेज है और यहाँ लोड करंट है। और देखिएगा, इसका यूज़ बैटरी चार्जिंग के लिए भी किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में भी इसका यूज़ होता है। अल्टरनेटर के पोल को एक्साइटेड करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, यानी कि अल्टरनेटर के एक्साइटर के रूप में इसका यूज़ होता है डीसी संट जनरेटर का। और नेक्स्ट है हमारी डीसी सीरीज जनरेटर की जो करेक्टरिस्टिक्स होगी उसकी हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। राइजिंग करेक्टरिस्टिक्स होती है, राइजिंग यानी कि बढ़ती हुई करेक्टरिस्टिक्स होती है। और देखिएगा, इसमें यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर में यहाँ पर सीरीज में एक फील्ड वाइंडिंग लगी होती है, और यह आर्मेचर होता है जनरेटर का। इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर करंट इधर से इधर लोड में चली जाती है। इसमें तीनों करंट सीरीज में होती है, IA भी सीरीज में होती है, ISC भी सीरीज में होती है और IL भी सीरीज में होती है, इसलिए तीनों बराबर हो जाती हैं। ये प्राइम मूवर होता है जो कि जनरेटर को चलाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है राइजिंग होती है, यानी कि ये ऊपर को बढ़ती है। इंटरनल भी होती है इसकी, इस टाइप से होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, थोड़ी क्योंकि राइजिंग होती है तो दोनों ऊपर को जाएंगे। लोड करंट में और लोड वोल्टेज में जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स होती है। इंटरनल करेक्टरिस्टिक तो सबकी सब जनरेटर की एक सी होती है। डीसी सीरीज जनरेटर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है वो पढ़ेंगे हम। तो डीसी सीरीज जनरेटर का यूज़ होता है बूस्टर के रूप में होता है। डीसी सीरीज जनरेटर की लोड करेक्टरिस्टिक्स राइजिंग होती है, यानी कि इस टाइप से होती है, यानी कि ये बढ़ती हुई करेक्टरिस्टिक्स होती है, राइजिंग होती है। जबकि जनरेटर संट जनरेटर की सेपरेटली की डोपिंग होती है, नीचे की ओर होती है। तो इसमें क्या होता है, जब सीरीज जनरेटर में लोड बढ़ाते हैं तो उसमें लोड करंट भी बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज भी बढ़ जाती है, यानी कि देखिएगा यहाँ पर लोड भी बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोड करंट बढ़ाते जा रहे हैं, इधर को लोड करंट इधर बढ़ रही है तो इसकी वोल्टेज भी बढ़ती जा रही है। और क्या होता है, डीसी सीरीज जनरेटर में लोड करंट को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज घट जाती है। अगर ज़्यादा ही वोल्टेज बढ़ा दी जाएगी तो लोड घट जाएगी और एक कंडीशन होगी कि जिसमें वो जीरो हो जाएगी। इसलिए जनरेटर को वेरी हाई लोड पर नहीं चलाया जाता, इसलिए सीरीज जनरेटर को अधिक लोड पर नहीं चलाया जाता। वैसे भी नो लोड कंडीशन में इसकी स्पीड जो होती है हाई होती है। सीरीज जनरेटर में अधिक लोड पर आर्मेचर करंट अधिक होने के कारण आर्मेचर फ्लक्स भी अधिक हो जाता है, और इससे क्या होता है, डीमैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। इसलिए इसे अधिक स्पीड पर नहीं चलाया जाता है। इसलिए अगर अधिक स्पीड पर अधिक वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसकी वो घट जाएगी, अधिक करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज इसकी घट जाएगी। इसका यूज होता है बूस्टर के रूप में होता है, जब सीरीज जनरेटर को डीसी लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए बूस्टर के रूप में चलाया जाता है। तो बूस्टर में प्राइम मूवर के रूप में कौन लगाया जाता है, डीसी संट जनरेटर का यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ होता है लाइटिंग में होता है, ट्रैक्शन में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, आर्क लाइटिंग में होता है, ट्रैक्शन में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई देने के लिए इसका यूज़ होता है डीसी सीरीज जनरेटर का। तो अगले पार्ट में हम डीसी कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। डीसी कंपाउंड जनरेटर जो है टू टाइप के होते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसकी करेक्टरिस्टिक्स तीन टाइप की होती है, ओवर कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट लेवल कंपाउंड जनरेटर और अंडर कंपाउंड जनरेटर। कुछ इस टाइप की इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, ओवर, फ्लैट, अंडर, संट। ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।